कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी एग्जाम हो गया है, एग्जाम फीवर खत्म हो रहा है। 1 फरवरी को फिजिक्स था। बिहार बोर्ड वाले सीबीएसई वाले तो बीएस कर रहे हैं, उनका तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको तो मई में एग्जामिनेशन देना है। क्लास 12 स्टार्ट होना चाहिए सर, क्लास 12 स्टार्ट होना चाहिए सर। सभी बच्चों में आजकल होड़ लगा हुआ है, हालांकि 11th क्लास अभी किसी के पास खत्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे 12 पढ़ना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसी चीज के लिए अब क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। तो अभी क्या है सर कि क्लास 12 सर स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लॉकडाउन के कारण से फर्स्ट ईयर तो पढ़े नहीं है सर, क्या करें सर? 11th क्लास नहीं पढ़े, 12th क्लास समझ में आएगा क्या? आएगा। कैसे आएगा सर? तो गलतियों को भूल जाए, फिजिक्स पढ़ने हमारे पास आए। देखो भाई, एक बात और बता देते हैं तुमको, 11th क्लास में पढ़े हैं फिर भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो हमारे दिमाग में नहीं है सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आई सर, दूसरे जगह पढ़े हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर बहुत सारे आप गलतियां कर सर, प्यार हो गया था सर, 11th नहीं पढ़े सर, सुधर जाओ, अभी प्यार मत करो, ये पढ़ने के बाद। क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या सर, क्या कोई लिंकेज है 11th क्लास के चैप्टर्स में और 12th क्लास के चैप्टर्स में? थोड़ा सा, वो भी किसका? वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसे दो टॉपिक हैं जो आपको 12th क्लास के लगभग हर चैप्टर में मिलेंगे, और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। सो मेरे भाई, आप उस वीडियो को जरूर देखें, और देखने के बाद ये नया जो क्लास 12 का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, उसको इसको आप डेमो के तौर पे ले सकते हैं कि सर आप एक डेमो करके दिखा दो मुझे कि आप क्लास में कैसा पढ़ाते हो, एकदम फाड़ू टाइप का वही दिखाते हैं तुमको, मजा आ जाएगा एकदम। आ जाओ भाई, अभी जो हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में, अगले वीडियो में सिलेबस वगैरह सारा धीरे 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 मालूम चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको ऑनलाइन कैसे चलाएंगे सर, ऑफलाइन में कौन सा क्लास चला रहे हैं, कितने कितने टाइमिंग पे चला रहे हैं, सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे अगले वीडियो में, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्लास 12 में हम जो शुरू करने वाले हैं, देखो क्या है ना कि इंग्लिश मीडियम में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम में ढंग का वीडियो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपने वीडियो में हिंदी मीडियम की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो अभी शुरू करने वाले फिजिक्स का NCERT फर्स्ट चैप्टर, वो है वैद्युत स्थैतिकी। ये सर ये क्या लिख रहे हैं सर, ऐसा तो NCERT में नाम ही नहीं है सर। ओके बताते हैं फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, और NCERT ये जानते हो ये एक फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हमको NCERT जो दिया है चैप्टर 1 का नाम, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। थोड़ा सर्दी हो गया है ना, जाम है, आवाज़ नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, मज़ा उतना ही आएगा जितना सारे वीडियो में आता है, क्लास में आता है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके सर, अंग्रेजी आ दो इसको, अरे थोड़ा बहुत अंग्रेजी जान लेंगे, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अरे फील्ड तक पहुंचते बहुत देर लग जाएगा, फील्ड तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक चार्ज है क्या, कैसे होता है। भाई पहले हम तुमको बता देते हैं कि जो ये हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो वैद्युत चुंबकत्व का हिस्सा है, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा बता दे ताकि जानकारी हो जाए। वैद्युत चुंबकत्व का हिस्सा है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला ये वैद्युत स्थैतिकी, ठीक है, और दूसरा जो बांटा गया मेरे लल्ला, वो बांटा गया वैद्युत गतिकी। बहुत मजा आएगा इस सारे सेकंड ईयर के चैप्टर में, सारे डालेंगे, जो घर पे बैठ के भी पढ़ रहे, बहुत दूर है, जो प्रिंसिपल के पास नहीं आ सकते, घर पे बैठ के आराम से पढ़िए, समझ रहे बात को। ओके, वैद्युत स्थैतिकी इसमें क्या होगा सर, वैद्युत गतिकी इसमें क्या होगा सर, इसमें देखो, इसमें जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसमें जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, तो देखो इसमें क्या होगा ना कि आवेश विरामावस्था में होगा,
आवेश विराम अवस्था में होगा। आवेश जब रुका हुआ हो तो उस समय जो भी सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे वो सारी की सारी वैद्युत स्थैतिकी में पढ़ाएंगे तुमको। दूसरा, आवेश जब गतिशील हो, आवेश क्या हो? गतिशील हो। तो जब आवेश गति कर रहा है उस समय जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी वो सारी की सारी वैसे गति की भी मिलेंगी। सर माथा खराब हो रहा है, आपकी आवेश विराम अवस्था में है, आवेश गति कर रहा, सर ये क्या है? आवेश क्या है? पहले तो ये चीज हमको जानना है कि आवेश है क्या। इतना क्लियर? थोड़ा आवेश पे आते हैं। आवेश क्या है? मिटा देते हैं इसको, मिटा दे। ओके, देखते जाओ भाई, देखते जाओ। अभी जो है ना, ये आवेश के बारे में जो हम तुमको बताने वाले हैं, कोई तुमसे पूछा कि द्रव्यमान क्या है, मान लो कोई तुमसे पूछा कि द्रव्यमान क्या है, तो तुम क्या कहोगे? कि द्रव्यमान जो है ना किसी भी वस्तु का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंग्लिश में क्या बोल रहे सर? ओके, किसी भी चीज का जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये भी इंग्लिश है सर? ओके, आधारभूत गुण है। क्या है? आधारभूत गुण है। आधारभूत का मतलब क्या सर? बताते हैं। जैसे मैंने पूछा कि सर आपका, आपने पूछा मुझसे कि सर आपका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो मैंने बोला 50 kg। आपने पूछा सर मास के, द्रव्यमान के अंदर क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। द्रव्यमान के अंदर अब कुछ नहीं होता, मतलब कि वो अब बेसिक है। 11th class पढ़े हो गए, 11th class तो आप पढ़े नहीं है। खैर नहीं पढ़े तो मेरा वीडियो देखिए, पीछे मैंने पढ़ाया फंडामेंटल क्या है, आधारभूत क्या है। आधारभूत वो होता है कि अब उसके भीतर कुछ नहीं है, वो किसी और पे निर्भर नहीं करता। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है एक फंडामेंटल जो होता है, आधारभूत गुण होता है किसी भी वस्तु का। इसके पास भी अपना एक द्रव्यमान है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी होगा। तो ये इसके अब पूछेंगे द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, मतलब कि द्रव्यमान के अंदर अब कुछ नहीं होता। उसी तरह आवेश उसी के तरह होता है आवेश। आज के वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन होगा, इसको डेमो ले सकते हो। आवेश, चार्ज। सर मोबाइल चार्ज हो गया, बैटरी चार्ज हो गया, चार्ज। नाम तो इतना ही सुने, मोबाइल चार्ज कर रहे थे, बैटरी चार्ज कर रहे थे, सर इमरजेंसी चार्ज कर रहे थे, इन्वर्टर चार्ज कर रहे थे, सारा चार्ज। आप इतना जानते हो चार्ज होता कैसे, चार्ज है क्या वो सुनो। सबसे पहले मैंने बोला कि सर आवेश जो होता है आधारभूत गुण होता है। क्या होता है? आधारभूत गुण। मतलब अब आवेश के अंदर कुछ नहीं होगा, वो किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है। आजाद पंछी इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो भाई, अगर सर ये पेन चार्ज हो गया तो ये क्या, इसके अंदर कौन सा एक स्पेशल गुण आ जाएगा? ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज है, तो कौन सा ऐसा गुण है जो इसके पास आ जाएगा और इसके पास नहीं आएगा? बताते हैं। मान लो कोई ये हाथ मेरा, ये चार्ज है और मैंने बोला था ये भी चार्ज है, तो जब किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाओगे ना, तो या तो अपने पास ही सटा लेगा और नहीं तो हटा लेगा। दो ही तरह की चीज होती है। अगर ये चार्ज है तो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ सटाएगा और नहीं तो अपने से दूर हटाएगा। कब सटाएगा, कब हटाएगा, ये बातें बाद में, पहले जान लो। सटाना मतलब खींचना, आकर्षण बल लगाना, हटाना मतलब प्रतिकर्षण बल, दूर धकेलना, समझ रहे हो बात को? तो हम क्या कहेंगे, एक तो समझ में आ गया कि सर आवेश जो है किसी भी वस्तु का आधारभूत गुण है, या किसी नहीं लिखेंगे, प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित, खींचना या प्रतिकर्षित, धकेलना करती है।
करती है करती है करती है। क्लियर है? नोट्स बनाना शुरू कर दो। जो क्लास में नहीं आ सकते हैं, जो दूर बैठे हुए हैं, जो मेरे पास नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, वो नोट्स बनाना शुरू कर दो, एकदम नोट्स झकास बनेगा। तो यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को खींच लिया, धकेल दिया। समझ बात को? कब खींचेगा कब धकेलेगा ये तो हम गुण पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तुमको अभी नहीं बताएंगे। हालांकि तुमको फील आ रहा होगा कि सर ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। आवेश तो सर पता चल गया कि क्या होता है, ये कैसे जनरेट होता है सर, ये कैसे उत्पन्न होता है सर, उसके पहले बताएंगे आवेश कितने प्रकार का होता है सर। तो आवेश जो है मेरे भाई दो प्रकार का होता है, ये जान लो तुम। आवेश अंग्रेजी में चार्ज, दो प्रकार का। एक और आवेश को तो तुम किससे दर्शाते हो, या तो बड़का क्यू से दिखाओगे या कहीं कहीं छोटका क्यू से भी दिखाते हैं, दिक्कत नहीं है। बड़का क्यू या छोटका क्यू, आवेश को डिनोट करने के लिए बड़का क्यू या छोटका क्यू। समझ गए बात को? उसके बाद सर इसका मात्रक भी दिखा दे तुमको। इसका जो हम लोगों ने मात्रक सेट किया है वो है कूलम्ब, याद रखना। आवेश का मात्रक क्या सेट हुआ है? कूलम्ब। और कूलम्ब को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कूलम्ब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवेश को किससे दिखाओगे, बड़ा क्यू या फिर छोटा क्यू? इसका मात्रक क्या होगा सर? कूलम्ब होगा। ध्यान में रखना इस बात को, सवाल करेंगे ना सब बढ़िया बढ़िया पकड़ में आएगा। चलो आ जाओ फिर सर। आवेश को कितने भाग में बांटा है आपने? हमने थोड़ी ना बांटा है, पहले से बांट के मिला हुआ है, हम तो पढ़ा रहे तुमको। आवेश दो टाइप के, धनावेश जिसको धनात्मक आवेश बोलते हैं। शॉर्ट में दिखाने का हम लोगों का ट्रेंड बना हुआ आजकल, व्हाट्सएप करते हैं ना हम लोग, गुड को कैसे लिखते हैं GD, इसका मतलब गधा भी हो सकता है। खैर जाने दो, चलो आ जाओ। ये धनावेश, धनावेश को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे ऋणावेश, निगेटिव चार्ज, ठीक है। शॉर्ट में लिखे हैं भाई, शॉर्ट में लिखे हैं, फील करो फील करो। आवेश कितने तरह के? दो तरह के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। क्लियर? अब देख भाई फिर से एक बार देख लो जरा, आवेश क्या है? यह प्रत्येक वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वो किसी अन्य आवेशित को अपनी तरफ खींचेगी या नहीं तो धक्का देगी। आवेश को किससे डिनोट करेंगे, बड़का क्यू या छोटका क्यू से? मात्रक इसका कूलम्ब होता है। कितने प्रकार के होते हैं ये? धनावेश और ऋणावेश। अब बात आता है सर कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, कब वो धनावेशित होती है, कब वो ऋणावेशित होती है। तो मिटार देते हैं, तुम लोग पहले नोट कर लो जरा। अभी का ताजा ताजा जो हमारा सवाल है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि आवेश क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किसमें मापते हैं, ये सारी चीजें जान गए। वस्तु आवेशित कैसे होती है, जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके मन में उठेगा और आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, और हम आपको ढूंढवाएंगे क्या, सीधे बताएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। ये चीजें तो तुम जानते ही हो कि केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि किसी भी वस्तु में तीन तरह के कण होते हैं, होते तो ज्यादा हैं लेकिन बेसिकली तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन नाम का एक जंतु है तो भाई याद रखना इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन भी होता है और ये धनावेशित होता है। ये क्या होता है? धनावेशित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो तरह के कण होते हैं जो प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। चलो आ जाओ। मान ले भाई मेरे कि ये एक वस्तु का कोई एक एटम है, चलो इसके अंदर क्या होगा? नाभिक, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? तो नाभिक के अंदर होता है सर प्रोटॉन और साथ ही साथ न्यूट्रॉन। बाहर क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये है प्रोटॉन, हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको फील आएगा, दिखेगा नहीं तुमको। पी मतलब समझ जाना प्रोटॉन, तेज हो तुम लोग समझ जाओगे। चलो आ जाओ। अब क्या करते हैं ना कि ये नाभिक के भीतर है, ये जो अंदर वाला चीजें हैं वो सारी की सारी किसके भीतर है? नाभिक के भीतर है। और हम तुमको एक बात बता देते हैं, नाभिक के भीतर डिस्टर्ब करना
हम अपने मान के खिलाफ समझते हैं। हम क्या, तुम भी समझो, सब कुछ समझता है, सब कुछ समझना पड़ेगा। इसके भीतर जो है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी कि जितना प्रोटॉन है उतना ही प्रोटॉन रह सकता है और रहेगा, आप उसको ना ही बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो। मतलब एक उदासीन वस्तु में, उदासीन मतलब सर, उदासीन का मतलब हुआ कि जिसके पास कोई आवेश नहीं है। एक उदासीन वस्तु में ध्यान देना, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अगर ये दोनों बराबर होती हैं, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ध्यान देना इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। सुनना, इस टोटल पॉजिटिव चार्ज को तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन को तुम किसी वस्तु से बाहर निकाल भी सकते हो, बाहर से लाके डाल भी सकते हो। सुनो अब बात को, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सर क्या होगा अगर इसमें हम कुछ नेगेटिव चार्ज ऐड कर दें, नेगेटिव चार्ज जोड़ दें, नेगेटिव चार्ज जोड़ दें, नेगेटिव चार्ज जोड़ दें, क्या होगा? देखो अभी तो जनरल एक उदासीन वस्तु में क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के। अब हमने क्या किया, इसको तो सर छेड़छाड़ कर नहीं सकते, इसी को छेड़ देते हैं। टोटल इसमें क्या होना, टोटल नेगेटिव चार्ज में हम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जोड़ दें, ऐसा होता है क्या? टोटल पॉजिटिव जोड़ सकते हैं हम, क्या कर सकते ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ऐड कर देते हैं। टोटल थोड़ा नेगेटिव चार्ज ऐड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करें डाल दें, इलेक्ट्रॉन जो है डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे टोटल नेगेटिव चार्ज जो था वो पॉजिटिव के बराबर था। अब हमने क्या किया ना कि टोटल नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा और नेगेटिव चार्ज जोड़ दिया हमने, मतलब इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो अब बताओ ये ज्यादा कि ये ज्यादा, सर लाजमी है नेगेटिव चार्ज ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन डाल दे, जब किसी वस्तु में स्टार हचकच जो मारना मार लो, देख लो लिख लो यहां कि जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए या डाल दिया जाए तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ये बात को एकदम दिमाग में फिट कर लेना भाई कि अगर कोई वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके उसमें डाल देते हैं तो समझ लो कि वस्तु क्या हो जाएगी, अब ऋणावेशित। वस्तु पहले क्या थी? उदासीन थी। अब हम उसने क्या किया कि हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन लाला के उसमें ऐड करते गए, तो अब ऐड करने से क्या हो गया कि पॉजिटिव का तो जितना था उतना ही रह गया, लेकिन बाहर से डालने के कारण से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब बढ़ जाने के कारण से हम कहेंगे कि अब वस्तु जो पहले उदासीन हुआ करती थी अब क्या हो गई है, निगेटिवली चार्ज हो गई है। तो देखो भाई मैंने स्पष्टता लिखा है, इसको आप नोट में अपना नोट कर लोगे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए या बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के उसमें और डाल दिया जाए तो वस्तु जो होती है क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बस की चीज नहीं है, नहीं कर सकते। डिस्टर्ब किसको कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। चलो तो इसमें क्या किया मैंने कि इलेक्ट्रॉन लाके डाल दिया, इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया तो वस्तु ऋणावेशित हो गई। इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो सकते हैं सर, कहीं से लाके डाला है तो कहीं से तो निकाला ही होगा। चलो अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या होता है, उसके पहले तुम लोग जरा इसको लिख लो, तब मिटारेंगे, ठीक है ना, इसको छापो। अभी तो आपने स्पष्ट समझ लिया कि वस्तु ऋणावेशित कैसे होती है। अगर वस्तु ऋणावेशित हो रही है इसका मतलब कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके मिला होगा। कभी ये मत सोचना कि प्रोटॉन निकल गया अब ये कम हो गया, ये उतना का उतना ही रह गया इसलिए ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं, कभी ये नहीं निकलेगा। जब निकलेगा ये, जब डलाएगा ये, वस्तु ऋणावेशित हुई है मतलब कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके खचाक डाल दिए, बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। आ जाओ अभी तो फिर से आते हैं उदासीन वस्तु पे, अब की पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। मतलब कि इसके पास टोटल पॉजिटिव जो है चार्ज बराबर है टोटल नेगेटिव के। क्यों 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 क्यों? क्योंकि टोटल वस्तु जो है अभी उदासीन है, टोटल नेगेटिव चार्ज। अब देखो हम क्या करते हैं ना, अब की बार जोड़ देते हैं, अब की बार इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल लेंगे। नेगेटिव चार्ज निकालने पर
निगेटिव चार्ज निकालने पर, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने। तो बबुआ एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो पहले से अब निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, पहले बराबर था, अब ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाता है तो वस्तु धनात्मक हो जाती है। इसमें फिर स्टार हचकच मारो। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो वह वस्तु क्या हो जाती है? तो वस्तु धनावेशित, तो वह वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। क्लियर है? ध्यान दो, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वह वस्तु क्या हो जाती है? स्पष्टता है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, ऐड इलेक्ट्रॉन, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिमूव इलेक्ट्रॉन, वस्तु पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? तो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है कि वस्तु चार्ज क्यों होता है, वस्तु कोई आवेशित क्यों होता है, तो उसका एक और एक सिर्फ कारण है कि सर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो पहले के तुलना में अब उसके पास ऋणावेश कम हो जाता है और नाभिक में धनावेश उतना का उतना ही रहता है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि धनावेश ज़्यादा हो गया, ऋणावेश कम हो गया, वस्तु धनावेशित हो गई। दूसरा केस, जब आप किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल के कहीं से डाल दे रहे हैं उसमें, तो अब निगेटिव चार्ज का मान बढ़ गया, धनात्मक वहीं का वहीं है, इसीलिए वस्तु जो होती है क्या होती है? निगेटिवली चार्ज हो जाती है। सर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, आवेशित करने का मूल कारण है। ये सवाल बोर्ड में पूछा हुआ भी है, बहुत बार पूछा हुआ है कि किसी वस्तु का आवेशित होने का मुख्य कारण क्या है, मूल कारण क्या है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चार गो, उसमें से एक गो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जो कि हमारा सही होता है। इसको जब क्वेश्चन कराएंगे ना बहुत सारा, तो उसमें इसको देखेंगे। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, फिर मिटारेंगे इसको। अब तो ये जान गए कि कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो उसका बेसिक कॉज क्या है, उसका मूल कारण क्या है। अब सर वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है हमको, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? ऐसे आ जा, इलेक्ट्रॉन निकलो, डाला जा, ऐसे थोड़ी ना होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ता है हमको। तो आवेशित करने के तरीकों में हमको तीन तरीके पढ़ने हैं। पहला घर्षण, घर्षण समझते हैं जरा, सिंपल सा है, एकदम बहुत सिंपल है। इसके पास मान लो 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। अब हम इसको एक दूसरे के पास लाके रगड़ रहे हैं, रगड़ने के कारण इस पर के इलेक्ट्रॉन उड़कर इस पे आके खचाक आ गए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर से निकले और इस पर आ गए। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन था, 2 निकलिए गया, तो इस पर 3 ना बचा, और 3 इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉन 5 है। तो बताओ तो भैया कौन ज्यादा है, बहुलता प्रबलता किसकी अधिक है? तो भैया धनात्मक की, प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से ये वस्तु धनावेशित। सेम इस पर आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन था और यहां से हमने इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 निकला, झुम 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 झुम, इस पर ठाए, इस पर आ गया। अब 2 जो इलेक्ट्रॉन इस पर आया, अब 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। तो 7 जब ये हो गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई ना। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर ज्यादा हो गई और प्रोटॉन की संख्या 5 ही है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित, ठीक है। तो घर्षण करने से भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और वस्तु आवेशित हो जाती है। तो अगर आपको घर्षण क्लियर ना हुआ हो तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। एक वस्तु पकड़ो, ये एक वस्तु पकड़ो, दोनों को आपस में रगड़ो, एक वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाकर दूसरे पर मिल जाएगा। तो दोनों घटना एक साथ होती है, एक पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे पे आकर मिलेगा। एक पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, दूसरे पर बढ़ जाएगा। जिस पर कम हुआ, जिससे निकला है, वो धनात्मक हो जाएगा, जिस पर जाकर मिला है ऋणात्मक हो जाएगा। घर्षण के दौरान वस्तु धनावेशित भी होती है, ऋणावेशित भी होती है। क्लियर? दूसरा, चालन, कंडक्शन। जैसे मोबाइल चार्ज कर रहे हो, या फिर जैसे कहने का मतलब कि खुद को चार्ज करना है, मोबाइल का वो जो प्लग होता है उसमें हाथ लगा दो,
पूरा का पूरा चार्ज हो जाओगे बे। कहने का मतलब कि चालन में कुछ समझना नहीं है, चालन तो एक सिंपल सा है कि धातु के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर आवेश को प्रवाहित करा के ले जाया जा सकता है। ये एक सिंपल मेथड जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समझना तो ही है। प्रेरण क्या है सर? अच्छा, बचपन में कभी किए हो? कागज का टुकड़ा रखे थे या नीचे फाड़ फाड़ के झकझक सट गया, अरे सर क्या हुआ फिर से? और बचपन में हम लोग अपने छोटे भाई को बुड़बक बनाते थे, कैसे? देखो जादू दिखाए तुमको? तो हाँ भैया दिखाओ ना, देखो। अरे भैया तुम तो जादूगर हो। अरे जादूगर घंटा थे, कैसे करते थे देखो तुमको बताता हूँ। ये प्रेरण वाली चीज थी, ठीक है। और क्या होता है प्रेरण में? प्रेरण, प्रेरणा लेना। गांधी जी से प्रेरित हो बच्चे, विवेकानंद से प्रेरित हो बच्चे, उनके गुण को लेना है। गुण को लेने के लिए गले मिलना जरूरी नहीं है, गुण को लेने के लिए बाहर से दोस्तों सीखा जाता है, समझ रहे हो बात को? वैसे ही किसी यहाँ पे देखो, ये एक हमने किया क्या, एक ब्लॉक ले लिया जो कि अनावेशित है, कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, उदासीन, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने किया क्या, एक रड ले लिया जिस रड पे प्लस चार्ज था, कच 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 कच। अब इसको का किए ना, इस रडवा को इसके नजदीक लेके आए, लेके आए, ठीक है। और देखो का किए, ब्लू किस लौकत नहीं खे से तो ब्लू किस ना लिखो हम करियो किस लिखो हे हे वाला हो। अब हेकरा के लेके आनी भीरी, अब जब भीरी लेके सटाना मना है, दूरे रखना, सटाओगे खेला सब गड़बड़ हो जाएगा। सटा देते थे ना कलमिया, इसे रगड़ के सटा दोगे ना तो सटवे नहीं करता था कागज, इसीलिए इसमें करेंगे। कागो चार्ज है इस पर प्लस तीन को है, तो जैसे ही इस अनावेशित के नजदीक में इस आवेशित को लेके आओगे ना, क्या होगा कि घचा घचा किस पर तीन को माइनस आ जाएगा। अरे सर क्या हुआ? ऐसा ही होता है, प्रेरणा यही है कि जब किसी आवेशित वस्तु को तुम अनावेशित के नजदीक लेके आओगे ना, तो जितना प्लस उस पर है उतना माइनस पे आ जाएगा, और जितना माइनस उस पर है उतना प्लस इस पर आ जाएगा। समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश अपने आप प्रेरित हो जाते हैं, और इसी को प्रेरण की घटना कहा जाता है। क्लियर है? तो ये एक बेसिक आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, आवेशित करने के तरीके क्या हैं, आपने इस वीडियो में इतना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश अगर इसके अंदर आ गया और ये कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है, समझ रहे बात को? और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों का नया बैच जो है खुल रहा है 9 फरवरी से, समय 10 बजे, 10 से 11 एडमिशन शुरू है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंस सर से डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम हमारा द्वार हमेशा के लिए खुला है, आप आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, धन्यवाद।